मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर एल्विश यादव का सिस्टम यूपी पुलिस ने हैंग कर दिया। अब वो नोएडा पुलिस के शिकंजे में है। रविवार को कई महीनों से नोएडा पुलिस से आंख मिचोली का खेल खेल रहा एल्विश यादव आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। सांपों की खरीद फरोख्त और सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में उसने नोएडा पुलिस के सामने सारा सच खोलकर रख दिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि एल्विश यादव ने पुलिस से पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एल्विश ने पूछताछ में बताया है कि वो अपनी पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। सांपों के जहर मामले में गिरफ्तार किए गए राहुल समेत सभी 5 आरोपियों में से अलग अलग रेप पार्टियों में मिल चुका था और उसकी उनके साथ जान पहचान भी थी, वो लगातार उनके संपर्क में भी था। चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 5 कोबरा सहित 9 सांपों को मुक्त कराया गया। आरोपियों से सांप का 20 मिलीलीटर जहर भी जब्त किया गया था। जांच में एल्विश यादव का कनेक्शन सामने आया था। हालांकि उस वक्त वहां एल्विश यादव मौजूद नहीं था, लेकिन जांच में पता चला है कि वो नोएडा में रेप पार्टी करता था। इसी मामले में नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी, लिहाजा कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर जेल में उसकी रातें कट रही हैं। बता दें कि नोएडा पुलिस ने इस मामले में एल्विश यादव पर 29 NDPS एक्ट लगाया है। ये एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई ड्रग से जुड़ी साजिश में शामिल हो। ऐसे में अगर उसे सजा मिलती है तो एल्विश यादव का जेल से जल्द निकलना नामुमकिन है।